दोस्तों आज मैंने एक पाना बनाया हूँ। ये पाना बहुत इजी से 100% सक्सेस है, फेल नहीं है। ये पाना आप अपने समझ लो पास ही बना सकते हो। पाना कहीं मार्केट में मिलता नहीं है। और ये पाना बनाने का जो तरीका है वीडियो के अंदर मैं बताया हूँ, आप उसी तरीका पाना बनाओगे तो आपको कौन कौन से गाड़ी में मैच होगा, जैसे सुजुकी एसएस है, मैस्ट्रो है, एक्टिवा है, स्कूटी पेप है, आप जो होता है क्लच ड्रम आप उसको वो भी खोल सकते हो, जो आगे बड़ा वाला गियर आता है जिसमें स्टार्टर लगता है, बड़ा वाला गियर रहता है, आप उसको भी खोल सकते हो ये पाने से। उसके लिए क्या करना पड़ता है, दो पाना खरीदना पड़ता है, एक तो क्लच जो ड्रम होता है उसके लिए अलग, और जो होता है बड़ा वाला गियर उसके लिए अलग। ओल्ड वाली गाड़ी का अलग खरीदना पड़ता है एक्टिवा का, और जो न्यू मॉडल का है उसका अलग पाना आता है। तो ये पाना आपको ओल्ड में भी यूज कर सकते हो, नया मॉडल में भी यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, अभी वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो बराबर परफेक्ट आपको मैंने बताया हूँ कैसे पानों का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, तरीका भी बताया हूँ वीडियो के अंदर। ये पाना जो है बाइक होता है, बाइक का जो मैग्नेट होता है जैसे पल्सर पल्सर और भी बाइक में जो मैग्नेट रहता है उसी तरीका जब मैंने बताया हूँ एक्टिवा का, इसी तरीका आप दूसरे कोई भी गाड़ी का मैग्नेट खोज सकते हो, अगर बराबर परफेक्ट बैठता रहेगा तभी, नहीं तो अगर नहीं बैठेगा तो नहीं खुलेगा, क्योंकि बराबर पाना पकड़ना चाहिए। दोस्तों आप लोग के लिए आज बताने जा रहा हूँ, अभी ये चीज़ मैंने फिटिंग कर चुका हूँ, ओपन भी किया था, और इसको क्या चीज़ से मैंने फिटिंग किया हूँ आप बहुत इजी से पाना बना सकते हैं। पहले आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई भी जैसे मैं भी पहले इससे काम करता, देखिए इसका पाना जो होता है खोलने के लिए, ये जो क्लच का ये ड्रम होता है, ड्रम खोलने के लिए यहाँ लगा के ये पाना से खोला जाता है। और दूसरा कोई भी दूसरा, ये पहला हो गया, अभी दूसरा बताने जा रहा हूँ। ये देखिए ये जो तो ये गियर है बड़ा वाला, ये बड़ा गियर जो खोलने का सबका मैकेनिक का तरीका अलग अलग होता है, कोई छीन जाता है अगर खोलता है तो ये बेंड हो जाता है, बेंड के वजह से जब आप सेल मारोगे तो साउंड आता है। कभी भी इस पर छीनी हथौड़ी इसके ऊपर नहीं मारना चाहिए, नहीं तो क्या होता है क्रैंक होता है बेंड हो जाता है। अब ये आपको बता दिया छीनी हथौड़ी लेके ना इसको ऊपर यूज नहीं करना चाहिए। अब इसको बता दे रहा हूँ पाना, पाना रखने का जो होता है देखिए कोई भी ऐसे रख के खोलता है, जब खोलता है खोलने के टाइम में क्या होता है कभी कभी ऊपर चले जाता है, जैसे बेंड भी हो जाता है, इसकी वजह से भी बेंड हो सकता है। अभी आपके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत इजी से आपको पाना, समझ लो इसका भी पाना नहीं खरीदना पड़ेगा, और ये जो होता है क्लच ड्रम इसके लिए भी पाना आपको नहीं खरीदना पड़ेगा। आप इसमें जो पाना मैं बताऊँगा ये पाना आप जैसे मैस्ट्रो में भी यूज कर सकते हो, सुजुकी एसएस में यूज कर सकते हो। आपको पहले मैं दिखा दे रहा हूँ, अभी ये देखिए ये पाइप है किसका, बाइक का पाइप है, इसे स्प्लेंडर का जो शॉकअप का पाइप होता है देखिए कट हुआ है, इसको मैंने दो भाग किया हूँ मैं। अभी ये देखिए मैंने इसका कट करके मैंने इसमें बनाया हूँ, ज्वाइंट किया हूँ, बहुत इजी से बना सकते हो। आपके पास अगर बाइक आता है बाइक का जो चैन होता है देखिए चैन मैंने पूरा ऐसा मतलब कटिंग करके, आप ऐसे कटिंग करके पहले नाप के देख लेना चाहिए कितना बड़ा चाहिए, मैंने इसको नाप के देख के फिर बनाया था मैंने। तो अभी इसको इसके अंदर देखिए, अभी ये देखिए मेरे पास जो जूना था ये जूने में मैंने क्या किया हूँ इसको नाप लेके मैंने इसको इतना कटिंग किया हूँ ना, आप अपने हिसाब से कटिंग करोगे तो क्या होता है छोटा हो जाता है। अभी ये देखिए मैंने ये चैन जो होता है देखिए मैंने इसके अंदर ये डाल चुका हूँ, ये देखिए। अब इसको खोलने का फिटिंग करने का तरीका अलग अलग होता है, अभी बता दे रहा हूँ दिखा दे रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए नाप के इसको ये ऐसे मैंने बनाया था। अभी इसको जो चैन देखिए ये थोड़ा हल्का से बाहर आया हुआ है, तो आपको खोलने का तरीका और फिटिंग करने का तरीका बहुत इजी से आप कर सकते हो। आपको दिखा भी दे रहा हूँ, नहीं तो आप क्या सोचेंगे कि सर गलत बता रहे हैं। अभी ये देखिए ये टाइट करने का जो पोजीशन होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ये देखिए आप इसमें ये टाइट करने का पोजीशन देख लीजिए, वेल्डिंग किया हुआ नीचे है और ये वाला भाग ऊपर है। अब इसको आप कितना भी ताकत से टाइट करोगे ये देखिए पूरा ताकत से भी लगाओगे तो स्लिप नहीं होता है, ये पोजीशन आप देख लीजिए कैसे लगा हुआ। अब इसको आपको खोलना है, ये देखिए खोलना है, ये पोजीशन करना चाहिए, ये देखिए। अब ये जो भाग नीचे था और ये भाग देखो ऊपर आ गई है, देखिए
तो अभी आप उसको अगर खोलना है, ये देखिए ये ऐसे पकड़ लेता है, फिर इसको आप बहुत ताकत से भी खोल सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बेंड भी नहीं होता है, देखिए स्लिप भी नहीं होता। और एक तो ये आपको दिखा दिया हूँ, अभी आपको एक ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी ये पोजीशन जो लगा हुआ है ये टाइट का लगा हुआ है, इसमें 19 नंबर का पाना लगता है, ये देखिए ताकत से एक हो गया। अभी आपको चाहिए, अभी आपको ये टाइट करने का खोलने का तरीका देखिए, वापस मैंने पलटी किया हूँ ये पाने को, ये देखिए बहुत इजी से आपके पास इतना सामान इजी से रहता है। अभी ये देखिए अभी खोलने का तरीका, ये देखिए अभी ये स्लिप हो रहा है, इसको ऐसे कर देना चाहिए, ये देखिए पकड़ लेता है इधर, फिर आप इसको बहुत ये देखो खुल भी गया, इसको आपको टाइट करके दिखा दे रहा हूँ वापस। अभी इसको मैंने लगा दिया हूँ, टाइट करने की पोजीशन देखो, आप बहुत इजी से बना सकते हो पाना अपने घर पे भी, जैसे वेल्डिंग करके आपके पास है तो ये देखो कितना भी ताकत से टाइट करोगे तो स्लिप नहीं होता है, देखिए बहुत इजी से हो जाता है काम। अभी ये जो होता है आप एक ड्रम निकाल लिए, ड्रम निकालने के बाद कुल्ली आता है इसके अंदर, अगर आपके पास इधर बड़ा पाना आता है अगर आपके पास है तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बहुत इजी से, तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सोचो एक पाना से आप, एक पाना से आपको क्या होगा कि समझ लो आपका ये भी काम हो जाता है, आपका ये भी काम हो जाता है, और जो अंदर जो पुल्ली बैठा रहता है उसका भी काम हो जाता है। सोचो आपको खाली ये पाना काट करके आपको पाइप बनाना है, अगर आपको ये पाइप नहीं मिला समझ लो सॉकअप का, तो आप दूसरा पाइप यूज कर सकते हो, दूसरा पाइप उसके अंदर ये जाना चाहिए, ये देखिए फ्री जाना चाहिए, जाम नहीं जाना चाहिए, देखिए ऐसे फ्री पाइप आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। और वेल्डिंग देखिए कैसे मैंने कराया हूँ, ये देखिए अभी आपको मैं खाली ये दिखाया, अभी इसको आप थोड़ा वेल्डिंग ग्रीसिंग करके, जैसे मतलब ज़्यादा यूज है तो आप जल्दी इसका यूज़ करोगे प्रॉब्लम नहीं होगा, ना आप ज़्यादा दिन रखो तो ये ख़राब हो जाता है, इसमें क्या करना है सफ़ा करके उसको वेल्डिंग ग्रीसिंग करके अच्छे से रख दोगे तो आपको जल्दी ख़राब नहीं होगा। चाहे आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास इजी से।